गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पेट के एग्जाम में 10 मार्क्स का जो है करंट अफेयर्स आता है, और अगर आप एक अच्छा परसेंटाइल गेन करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि 10 के मार्क्स आपके हों। तो इसी 10 मार्क्स को टारगेट करते हुए हम करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू किए हैं। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उसको डे टू डे वाइज कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लास्ट के 6 महीने करंट अफेयर्स होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसको डे टू डे करेंगे और इसमें हम उसी करंट अफेयर्स को करेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस शहर को 2300 करोड़ की सड़क परियोजना का सौगात दिया है? तो ये सौगात मिली है इंदौर को। जैसा कि आप जानते हैं इंदौर हमेशा न्यूज में रहता है और सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में ये टॉप पे है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा बने हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके मार्ग में हमेशा अरोड़ा डालती है, जिसके जो पुलिस कमिश्नर हैं वो है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये अतिरिक्त प्रभार मिला है हमारे SSB के जो महानिदेशक हैं सुजय लाल थाउसेन उनको। हम आपको सजेस्ट करेंगे इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार कॉमनवेल्थ देख लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने कितने पदक जीते और कौन से पदक जीते, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें भी आपका जिसने जिसने गोल्ड जीता हुआ है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस अगस्त के महीने में आपको अधिकतर क्वेश्चंस वही मिलेंगे कि किसने क्या जीता है, तो हम उसको यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आंगनवाड़ियों में बच्चों को पोषण में सुधार हेतु मेनू में दूध और अंडे को शामिल किया है? तो यह है केरल। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उसी पॉइंट को हाईलाइट्स किया है जिसके साथ मैं चीज़ों को याद कर सकूँ, जैसे मेनू में दूध और अंडे और केरल, तो मैं इसको आसानी से रिवाइज करूँगा तो मुझे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसकी जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है पिंगाली वेंकैया के। पिंगाली वेंकैया कौन थे? जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसके ये डिजाइनर थे, और इन्हीं के स्मारक के दिन डाक टिकट जारी किया गया था इन्हीं के जयंती के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है, चीन और अमेरिका के बीच किस अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर की ताइवान यात्रा को लेकर तनाव पैदा हो गया? तो नैन्सी पेलोसी जो है ये ताइवान की यात्रा करती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं चीन जो है ताइवान को अपना पार्ट बताता है, तो इस बात को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव हो गया था। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वोडाफोन और आइडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं वो है रविंद्र टक्कर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया जो है अलग अलग कंपनियां थी, अब वो एक हो गई हैं और उनका नाम हो गया VI, तो इनके बीच में पहले बहुत टक्कर था, तो इनके जो चेयरमैन बने हैं वो रविंद्र टक्कर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग योजना कहाँ की है? तो चिराग योजना जो है हरियाणा की है, और इसका जो उद्देश्य है मुफ्त शिक्षा देना है। ठीक है, गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देना है चिराग योजना का उद्देश्य। UP के एग्जाम्स में जो पेट का एग्जाम होता है पिछली बार योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप योजनाएं जो भी हैं जिस किसी भी राज्य में शुरू की गई हैं उनको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के पद पर किसको शपथ दिलाई है? तो ये शपथ दिलाई गई है सुरेश एन पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल की जो 500 सूची आई हुई है कंपनियों की, उसमें 9 जो कंपनियां हैं वो भारतीय हैं, और इसमें जो टॉप पे है वो है हमारी LIC, और LIC को यहाँ पे रैंक मिला हुआ है 98। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जो देश हैं स्वीडन और फिनलैंड हैं, ना कि आपकी कोई और। ठीक है, नेक्स्ट है, RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो अब रेपो रेट 4.90 से कितना हो गया है? तो ये हो गया है 5.40, तो कितना बढ़ाया गया है भी पूछ सकता है, तो बढ़ाया गया है 0.5। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किसे हराकर सैफ Under-20 फुटबॉल का चैंपियन बना है? आपके जाना चाहिए फुटबॉल में हमारी जो फीफा की रैंकिंग अभी हाल ही में आई है, इसमें हमारा रैंक है हुआ है 104। तो जो फुटबॉल है ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
तो हम सैफ अंडर 20 में जो श्रीलंका को हरा के हराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के पहले रजत पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली श्रीशंकर जो हैं भारत के पहले रजत पदक जीतने वाले पुरुष एथलीट हैं, किसमें? लॉन्ग जंप इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी राष्ट्रमंडल खेले हुए हैं इसमें किसको कौन सा पदक मिला है, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण पदक वालों को पहले देखिएगा कि किसको किसको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका D5 है, किस राज्य ने अपने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विश्वविद्यालय विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का जो लक्ष्य है ये उत्तराखंड ने लिया है, और उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा है आधिकारिक भाषा वो हमारी संस्कृत ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिवंगत कन्नड़ एक्टर को कर्नाटक कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है, ये कौन थे? तो ये थे हमारे पुनित सरकार को जो है सम्मानित किया गया है कर्नाटक रत्न से। ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे, आपने इनकी कई सारी मूवीज भी देखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहामा डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और बरहामा जो डिफेंस एक्सपो है इसको गांधीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RN जिम डस्टन से किसे सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारे वी प्रणव। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 76वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बना गया है, अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज है, तब इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिसर CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो चूंकि ये पहली महिला महानिदेशक हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये है हमारी नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट है, फाइड जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं उसके उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हमारे विश्वनाथ आनंद के बारे में जानते होंगे, ये कई बार रह चुके हैं शतरंज के चैंपियंस, और इनको ही सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिशन वात्सल्य जो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप जानते हैं 7 अगस्त 2021 में ही को ही हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था ओलंपिक में, तो उसी अवसर पर 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, और इसी दिन आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। जो भी आपके दिवस हैं इनको लेके हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आपको सभी दिवस याद नहीं करने हैं, हम इंपॉर्टेंट दिवस को लेके एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे हमने 61 पदक जीते हुए थे जिसमें हमारे 22 स्वर्ण थे, 23 रजत थे, सॉरी कांस्य थे, और 16 हमारे रजत थे। ठीक है, तो 22, 16, 23 इसको याद कर लीजिएगा, और किसको किसको स्वर्ण मिला है इसको एक जगह देख लीजिएगा, और यूपी के अगर किसी को मिला है कोई पदक तो उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA का जो खिताब जीती है वो हमारी आर्या वाल्बेकर है। नेक्स्ट है, जो कॉमनवेल्थ आपका गेम हुआ था उसमें टॉप कौन सा देश किया? तो उसको टॉप किया है हमारे ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण जीते थे, और हमने जीते थे 22, इसने जीते हैं 67, और 57 रजत, हमारे पास कितने रजत थे? 16, और 54 जीते हैं इसने कांस्य, हमारे पास था 23। ठीक है, नेक्स्ट है, 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 44वें चेस ओलंपियाड जो है इसका आयोजन चेन्नई के मलालापुरम में किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स के, तो हमारे चैनल पे भी पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा जहाँ से दिया गया था उस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक किस देश ने घोषित किया है? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था वो सिंगापुर से दिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉलर किसे चुना है? तो
ये चुने गए हैं सोनल छत्री और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियो जयघोष की शुरुआत किसने की है? तो रेडियो जयघोष की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। और रेडियो जयघोष की शुरुआत क्यों की गई है? ये किया गया है लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट का अनावरण किया? तो ये डाक टिकट का जो अनावरण किया गया था वो काकोरी ट्रेन कांड के अवसर पर किया गया था। काकोरी ट्रेन कांड घटना कब हुई थी आप इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, और हाँ, काकोरी ट्रेन कांड का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको कांड नहीं कहते हैं, आप बताइएगा इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ जिसके बारे में हमने पीछे बताया कि तमिलनाडु में हुआ, उसका किस विजेता कौन रहा, कौन स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है हमारे उज्बेकिस्तान ने। और भारत ने क्या जीता ये भी जरूरी है, तो भारत ने जीता है यहाँ पे कांस्य पदक, इट मीन्स भारत तीसरे स्थान पर रहा। ये भी पूछ सकता है कि किस स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट है, 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीतने वाली किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास लिए हैं सेरेना विलियम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हम आपको पहले अभी बता दे रहे हैं कि हम यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है आपका, केंद्र सरकार ने किसे नेट ग्रिड का नया सीईओ बनाया है? तो नेट ग्रिड का जो नया सीईओ बने हैं वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक T20 क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? तो ये रिकॉर्ड हो गया है हमारे किरण पोलार्ड के पास, जो कि वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2G दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस नाम से नया पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो ये स्पार्क नाम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो ऋषभ पंत को बनाया है। ठीक है, तो ऋषभ पंत जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है, सेवेयर दी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? जो सेवेलियर दी लॉ लीजन डी ऑनर है ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो शशि थरूर को मिला है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शशि थरूर को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और ये फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं, तो ये अवार्ड जो है इनको मिला हुआ है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टी का सम्मानित किया गया है? तो उनका घर था वाशिंगटन हाउस। इसको आप वाशिंगटन हाउस से मत कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि घर का नाम है वाशिंगटन हाउस। ठीक है, वाशिंगटन सिटी से कन्फ्यूज मत होइएगा। विश्व हाथी दिवस पर तमिलनाडु सरकार ने अपना 5वां हाथी रिजर्व कहाँ घोषित किया? तो आपको ये जानना चाहिए कि विश्व हाथी दिवस जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन मनाया जाता है, और इस दिन तमिलनाडु सरकार ने अपने वहाँ पे एक 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया जो कि त्रिवेणीमली जिले की अगस्त मलाई को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, BCCI ने महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग चालू करने की घोषणा कब से की है? तो ये जो चालू होगा 2023 से होगा, इट मीन्स अगले साल से जो है वुमेन्स IPL भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST चोरी को रोकने के लिए लकी बिल किस नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो लकी बिल जो है मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है केरल ने, और इसका उद्देश्य क्या है? GST चोरी को रोकना। नेक्स्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, जैसा कि मैंने बताया 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरनेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी ध्यान दीजिएगा 12 अगस्त को ही आप विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रोशनी। आप जानते हैं लालटेन जो है रोशनी करती है, तो रोशनी नाम से इसका अनावरण किया गया है, और ये क्या है? पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चिनाब ब्रिज पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है आपका। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि जोड़ने के बाद 13-11 आर्द्रभूमियों को जोड़ दिया गया है, इससे पहले और भी जोड़े गए थे, तो टोटल अब हो गए हैं 75 आर्द्रभूमियाँ वेटलैंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट है महावारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध का सॉरी हाँ महावारी उत्पाद निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने के लिए किस देश ने कानून लागू किया है? तो ये है हमारा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है महावारी उत्पाद जो है उनको फ्री में देगा। नेक्स्ट है आपका पहली बार कहाँ मानव कॉर्नियल उत्तक में से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंखों में प्रतिबिंबित किया गया है? तो ये हुआ है हैदराबाद में, और ये 3D मुद्रित कॉर्निया थी और खरगोश की आंखों में किया गया है और ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? तो डोर्नियर समुद्री टोही विमान जो है श्रीलंका को उपहार के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई योजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की है? तो ड्रोन से दवाई सप्लाई योजना की जो शुरुआत है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इन्होंने नया जलवायु प्रमुख नियुक्त किया है जो कि है आपके साइमन स्टील। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है क्योंकि जलवायु के बारे में बात हो रही है और जलवायु को लेकर सभी देश इस समय बहुत ही सतर्क हैं। नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टेशन ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो यह है सुपर वासुकी और उसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका उदार शक्ति जो युद्ध अभ्यास है ये किस देश के बीच साथ किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मलेशिया के साथ। और नेक्स्ट है आपका देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना है? तो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर गांव बना है मांडला जिला। तो आज हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कर चुके हैं और अगला सीरीज जो कल अपलोड होगा उसमें हम 15 से आगे का 30 अगस्त तक का करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं नेक्स्ट 10 to 12 days में ख़त्म कर देंगे और आपका जो पकड़ है करंट अफेयर्स पे वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।